गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 9 सुभाषितानी पढ़ाएंगे। क्षण क्षणश कणश्च चैव विद्या विद्यामर्थम च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। तो इसमें बताया गया है बच्चों, जीवन का एक एक क्षण बहुत ही कीमती है, और ठीक इसी तरह से एक एक कण करके ही धन इकट्ठा होता है। यदि हम चाहें कि अचानक से हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक एक कण करके हमको धन इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से जब हम क्षण प्रति क्षण पढ़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तभी हमें वास्तव में विद्या की प्राप्ति होती है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। यदि हमने उस क्षण का सदुपयोग ना किया तो हमें विद्या मिलना बहुत ही कठिन है या असंभव है। इसी तरह से कण त्यागे, यदि हमने कण कण करके धन इकट्ठा नहीं किया या उस कण का दुरुपयोग किया तो हमें कहाँ से धन की प्राप्ति होगी। अगला श्लोक देखिए बच्चों, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जिता धनम, तृतीय न अर्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यमि करिष्यति। तो पहले तो विद्या नहीं प्राप्त की, और दूसरे आपने धन नहीं कमाया, तीसरे पुण्य का कोई काम नहीं किया, फिर चौथे और क्या आप करेंगे, क्योंकि कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं। हमें समय रहते ही विद्या अर्जित कर लेनी चाहिए और धन, तीसरा आयु के अनुसार पुण्य भी प्राप्त कर लेने चाहिए। यदि हमने जीवन के हर पल में अपनी ज़रूरी चीज़ें ना एकत्र की तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पीतरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत। माता समस्त तीर्थों का रूप होती है और पिता सभी देवताओं का, इसलिए सब यत्नों से हमें अपने माता और पिता की पूजा करनी चाहिए। बच्चों, ये जो मैंने कहा पूजा करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी आरती उतारिए। इसके कहने का मतलब ये है कि माता सभी तीर्थों का रूप होती है, अर्थात हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके कहे हुए कार्यों को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। और प्रिय बोलने में हमको कैसी दरिद्रता, अर्थात कैसी हमको कमी, तो हमको हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जिससे किसी को ख़राब ना लगे। हमें हमेशा मीठा और प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगले व्यक्ति को ये लगे कि ये हमें गंदा या ख़राब बोल रहा है। और अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से सभी आपसे खुश रहते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। और यदि आप अपने वाणी को संयम करके और मीठा नहीं बोलेंगे तो कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। माँ सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम, ब्रूयात एषा धर्म सनातनः। सबसे पहली बात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है।
हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वाक्य जिससे किसी को तकलीफ हो वो हमें नहीं बोलना चाहिए, और बहुत अच्छा मीठा झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति बुद्धि की जड़ता या मंदता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है, मान बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, संपत्ति की वृद्धि करती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। बताइए सत्संगति व्यक्ति का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति से व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इस श्लोक से अभिप्राय है बच्चों कि हमको हमेशा सत्संगति करना चाहिए। सत्संगति में रहकर आदमी का वातावरण अच्छा बनता है, वाणी में सच्चाई रहती है, और सत्संगति हमेशा व्यक्ति का मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है, पापों को दूर करती है और हमारी लक्ष्मी और संपत्ति की वृद्धि करती है। और जब हमारे पास लक्ष्मी संपत्ति सब होती है तो चारों दिशाओं में सब दिशाओं में हमारा यश और सम्मान होता है। तो इस तरह से सत्संगति बताइए व्यक्ति का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति ही जीवन का एक सापेक्ष अर्थ है। हमें सत्संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे माहौल का अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे हमारा आगे भविष्य भी अच्छा हो सके। तो बच्चों इस तरह से ये आपने श्लोक पढ़े और इनका ये अर्थ है। अब आपको ऐसा करना है कि इन श्लोकों के अर्थ आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। इसके बाद शब्दार्थ, ये शब्दार्थ ये भी आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। यहाँ जो भी अभ्यास कार्य है पहले आप कोशिश करिए कि इसको आप खुद करिए, और यदि ना समझ में आए तो जो मैंने लिखा है उसकी सहायता लीजिए। साथ ही साथ यहाँ कुछ पशु और पक्षियों के संस्कृत में नाम दिए गए हैं, तो आपको 5 पशुओं के संस्कृत में नाम और 5 पक्षियों के संस्कृत में नाम ये आपको अपनी कॉपीज़ में कर लेने हैं। इसके साथ ही बच्चों आपको सुभाषितानी के 2 श्लोक अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने को आएंगे। या इन सभी श्लोकों का अर्थ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ आपको एग्ज़ाम में लिखने को आएगा। तो इस तरह से आप ये श्लोक बहुत ध्यान से पढ़िए और इसमें से कम 3 श्लोक अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है और हम अगले पाठ के साथ फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।